सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड जिले की, जहां के दबोह थाना पुलिस ने नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां पर बच्चों के माध्यम से गार्जियन को नशा छोड़ने और सड़क सुरक्षा अपनाने की बात कही गई है। गार्जियन को बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया गया है, इससे सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। नशा मुक्ति से परिवार को आर्थिक हानि को भी बचाया जा सकेगा। कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचाव की जानकारियां दी गई है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने और नशा नहीं करने की भी शपथ दिलाई गई है। दबोह पुलिस के इस कार्यक्रम की चारों ओर सराहना की जा रही है। कि अपराध का स्वरूप धीरे धीरे बदल चुका है। पहले जो स्वरूप होते थे उसमें अब साइबर का एक बहुत बड़ा अपराध है। सबसे बड़ी संख्या साइबर अपराधों की यही है। उसका कारण, मुख्य कारण यही है कि लोगों में नियमों की जागरूकता की कमी है, कि लोग समझ नहीं पाते कि हमें किस तरह से बहला फुसला के ठगा जा रहा है। ओटीपी के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से हमारी कोई भी निजी जानकारी हमें कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इसके संबंध में सभी छात्रों को, अभिभावकों को, गणमान्य नागरिकों को बताया गया है। तीन अभियानों के बारे में आज यहाँ जागरूक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें हेलमेट और यातायात संबंधी एक अभियान जो भी बड़ी पुलिस के द्वारा बड़ी शिद्दत के साथ चलाया जा रहा है। दूसरा नशा मुक्ति के बारे में एक उसी में नशा मुक्ति का अभियान है, उसको जोड़ा गया। और तीसरा साइबर अपराध में जो बच्चों को, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साइबर अपराध ज्यादा हो रहा है, इस संबंध में शिविर में जानकारी प्रदाय की गई। टीआई संध्या ने बताया कि हेलमेट अपने मम्मी पापा को देकर बाहर भेजना चाहिए, बिना हेलमेट के बाहर नहीं भेजना चाहिए, और बताया कि साइबर क्राइम से कैसे बचें।